गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का मैं व्लॉग का शुरुआत पता है कहाँ से कर रहा हूँ? पहले ये देखो, ये है फेमस कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट। चलो गेस करो, 5 सेकंड देता हूँ आपको, कहाँ का होगा ये? 5, 4, 3, 2, 1। तो आज का मैं व्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ सिकंदराबाद से। जिन्होंने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है उनको पता होगा मैं अभी जर्नी कर रहा हूँ 22691 KSR बेंगलुरु टू हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में। ये 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे फाइनली आ चुका है अपना ट्रेन। कितना बार कट चुके हैं भाई अभी? 25-30 बार तो मेरा हो गया। मजे से वो फर्स्ट एसी बता रहा हूँ, 3 AC 2 AC का अलग। देख लो, यही होने वाला है हमारा आज का डिनर। कैमरा में रिकॉर्ड। गुड मॉर्निंग, नींद कैसा हुआ? बढ़िया। लो जी, ये सुबह की चाय, आज का चाय बेंगलोर राजधानी के नाम। तो देख लो, ये आया है हमारा ब्रेकफास्ट। ट्रेन अपना वैसे भी 3.5 घंटे रेसिड्यूल थी और अभी तक ट्रेन अपना 4.5 घंटे डिले चल रही है। बाकी हाँ, सिकंदराबाद में मैंने लास्ट वाला वीडियो एंड किया था, यहीं से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो सारा इन्फॉर्मेशन टूर वगैरह सब कुछ मैंने इसके पहले वाले पार्ट में दिया है, लेकिन एक वापस से बता देता हूँ। हम लोग इस राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में जर्नी कर रहे हैं, जिसके 4 टिकट के लिए हम लोगों ने पे किया 29,000 रुपीज, जिसको आप डिवाइड बाई 4 कर लेना। अभी अभी देख लो, न्यूज पेपर भी हमें मिल चुका है। साथ ही सिकंदराबाद स्टेशन निकला तो संदीप भाई ने ये कराची बेकरी का फेमस फ्रूट बिस्किट भी लेकर आए। और अपना पूरा फर्स्ट एसी वैसे भी पूरा खाली है, आप बोलोगे तो मैं कूप केबिन सबका टूर दे दूंगा। बाकी ट्रेन ओवरऑल काफी अच्छा है, खाना काफी अच्छा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो एंड होने के बाद लास्ट वाला पार्ट जरूर देखना, मतलब इसका पहला पार्ट। तो चलो, अभी तो ट्रेन निकल गया सिकंदराबाद से, इसके बाद का क्या क्या स्टॉप आने वाला, क्या क्या हॉल्ट है, वो वीडियो में बने रहो, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपना एडिटिंग थोड़ा बचा हुआ है, उसको कम्प्लीट करते हैं। यहाँ चल रहा है अपना एडिटिंग, और एडिटिंग करते करते ही देख लो अपना सूप आ चुका है। और एक चीज काफी अच्छा लगा, वो पैकेट वाला नॉर का जो सूप होता है ना, वो नहीं है, स्पेशली इन्होंने बनाकर लाया है। तो मेरे को काफी सारे राजधानी में ना ऐसे बनाकर लाते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे टाइम देख लो, अभी 12:30 बज रहा है और 12:30 बजे हमें सर्व किया गया है सूप। लंच आ जाएगा इसके 1 घंटे बाद। लो जी, अपना सूप आ गया है, तो गर्मा गर्म इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर बता देंगे कैसा है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का कमी है, वो डाल लेंगे और भी बढ़िया हो जाएगा। सूप के बाद आएगा लंच, तो लंच भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा देख लो, ये ब्रेड स्टिक, बटर, सॉल्ट एंड पेपर, यही सब है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपना सूप कंप्लीट किया, सूप कंप्लीट करते ही अभी अपना लंच भी आ चुका है। वैसे तो मन नहीं था अभी इतना जल्दी खाने का, लेकिन अब वो लेकर आ गए थे तो मैं बोला चलो लगा ही दो प्लेट, थोड़ा बहुत खा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लंच के लिए वो पूछने आ गए थे सुबह ही, जब वो ब्रेकफास्ट लेकर गए थे ना, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन था, एक लाइक वेज, एक नॉन वेज। जैसे कोई कोई ट्रेन में ना कॉन्टिनेंटल का भी ऑप्शन होता है, तो इनके पास नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं बोला चलो कुछ भी खिला दो बढ़िया। वो बताया कि हमारे पास पनीर है, चिल्ली पनीर बढ़िया बना देते हैं आपके लिए, तो ये एक चीज है। तो हाँ, आप पूछ सकते हो, अगर उनके पास रहेगा तो ये बनाकर कुछ ना कुछ तो दे देंगे, लेकिन बहुत सारे ट्रेन में ऐसा होता है ना, मना भी कर देते हैं, नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक रीजन है। बाकी देख लो, ये अपना लंच आ चुका है, 4-4 प्लेट भाई, सारा का सारा वेज है। एक हम लोगों ने अलग से नॉन वेज भी ऑर्डर किया हुआ है, और एक जो अपना चिली पनीर है वो भी है। चलो वो सबसे पहले आपको दिखाते है। देख लो, ये अपना चिली पनीर और साथ ही अपना चिकन भी है, उसको बाद में दिखा देंगे आपको। ये सब कुछ है लंच में, चलो एक एक करके आपको सब दिखा देते हैं। तो देख लो, आज का जो लंच है ना, काफी डिफरेंट मिला है हमें। राइस है, वो आलू की लाइक मिक्स टाइप की सब्जी आप बोल सकते हो। आज देख लो, पनीर कोफ्ता है, साथ में दाल तो है ही, और अपना ये चपाती, दही, इसके अलावा ये वाइप्स, अचार, सैनिटाइजर और ये सॉल्ट एंड पेपर। बट सबसे मेन टेस्ट चेंज करने के लिए, या फिर स्टार्टर बोल लो, पनीर। तो यही होने वाला आज अपना लंच, पहले पनीर ट्राई करते हैं, फिर अपना लंच ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा है। तो चलो जी, सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ इनका ये स्टार्टर, जो कि है चिल्ली पनीर, और ऑलरेडी मैंने इसको ट्राई कर लिया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। जैसा होता है ना, एकदम चटपटा सा, खट्टा मीठा सारा फ्लेवर मिला हुआ, वैसे ही। अगर ट्रेन में आपको इतना चटपटा खाना मिल जाए, इतना बढ़िया स्टार्टर मिल जाए, और क्या चाहिए। आज ना मैं अपने खाने को रेटिंग देता हूँ, तो ये पनीर को मैं देता हूँ 8 out of 10। 2 पॉइंट इसलिए कम ताकि ये खाना ठंडा हो गया, इसमें गलती हमारी है भाई, किचन स्टाफ की कोई गलती नहीं है, वो गर्मा गर्म दिए थे, सूट के चक्कर में थोड़ा ये हो गया। इस बार मैं दाल वगैरह ट्राई नहीं कर रहा हूँ, दाल मैं संदीप या फिर सत्या भाई से पूछ लूंगा। इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये भी देखकर बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले सिर्फ ये कोफ्ता, पनीर कोफ्ता है भाई, तो देख लो, पहले मैं ये कोफ्ता ट्राई करता हूँ। नॉट बैड है। एक्चुअली क्या है ना, आप अगर फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो, तो आपके माइंड में बैठ जाता है वही यार, पनीर बटर मसाला या फिर मटर पनीर होगा, दाल होगा। लेकिन इन्होंने ना काफी मतलब चेंजेस किया है, अच्छा लग रहा है मेरे को। इन दोनों को तो मैं दूंगा भाई 9 out of 10। 10 on 10 इसलिए नहीं क्योंकि खाना थोड़ा ठंडा हो गया, गलती हमारी है,
इसके लिए नो कम्प्लेंट, ठीक है। रात में हमें डिनर में मिला था पालक पनीर, अभी लंच में मिला है ये पनीर कोफ्ता चिली पनीर। देख रहे हो मेन्यू कैसे चेंज हो रहा है, कई कई जगह में मेन्यू चेंज रहता है। इस KSR बेंगलुरु राजधानी का जो खाना है वाकई में काफी अच्छा है और काफी सारा वैरायटीज भी दिख रहा है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे अपना नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है काजीपेट और शायद उसके आउटर में ही है हम लोग कहीं। साथ ही अपना लंच भी देख लो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं सब। भाई किसी को खाने का मन नहीं था, सब झूठे हैं, सबने बोला कि भाई मन नहीं है, एक घंटे बाद खाएंगे। अभी देखो खाना इतना बढ़िया लगा, खत्म टाटा बाय बाय हो रहा है सब कुछ। और ये यार स्टार्टर बहुत अच्छा लगा, संदीप भाई ने दाल ट्राई किया बता रहे थे दाल अच्छा है, और सत्या भाई ने ये सूखी सब्जी ट्राई की वो बोले कि सब इग्नोर कर रहे थे बेचारे तो सत्या भाई ने बताया वो भी काफी अच्छा है। लंच भी हो गया एकदम अपना टाइम पे कंप्लीट, देख लो अपना लंच कंप्लीट हो रहा है। साथ ही भैया आइसक्रीम भी लेकर आ गए। आज कौन सा फ्लेवर है भैया? आज वनीला है। आज वनीला है, ओके। कल बटर स्कॉच था। हाँ कल बटर स्कॉच था, रात में चॉकलेट रहेगा तो पक्का। अब तो वनीला आएगा या बटर स्कॉच? ओके ओके चलिए, थैंक यू। दो ही ब्रांड चलते हैं सर। खाना कैसा है सर? सही है, खाना बहुत अच्छा है भैया, मजा आ गया। चपाती वपाती वाला हूँ? नहीं भैया, हम लोगों को खाने का मन नहीं था, खाने तो ऐसे ही खाए। अपनी ट्रेन हो चुकी है यहाँ पे 6 घंटे लेट, ये सामने से निकल रही है देख लो गोलकोंडा। भाई इसको निकाल दिया, अपने को रोक दिया यार। लिटरली यार राजधानी का तो कोई इज्जत ही नहीं रहा। बताओ भाई राजधानी को रोक कर सभी ट्रेन को निकाला जा रहा है। आप बोलते हो ना मोहित भाई प्रीमियम ट्रेन के वजह से नॉर्मल ट्रेनों का टाइमिंग खराब हो गया, भाई अपनी ट्रेन 6 घंटे लेट है। सोचो लंच करके ना मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे हम लोग। जब मैं लेटने गया था तब काजीपेट 20 किलोमीटर दूर था और मैं अभी उठा हूँ लगभग आधे घंटे बाद, फिर भी अभी 20 किलोमीटर ही दिखा रहा है। ऑलमोस्ट आधे घंटे से रुका हुआ है अपना ट्रेन यहाँ पे, वो भी मिडिल में, ना इधर कोई स्टेशन ना उधर। हाय कर दो। हाँ जी, तो 7 घंटे 4 मिनट के देरी के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काजीपेट जंक्शन और यहाँ अपने ट्रेन का बस 2 मिनट का हॉल्ट है। और मैं बता दूं काजीपेट जंक्शन से पहले मतलब आउटर में अपने ट्रेन को पहली बार 45 मिनट्स के लिए स्टॉप कर दिया गया था, पता नहीं क्या रीज़न था। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए चला मतलब 2-4 किलोमीटर, वापस से आधे घंटे के लिए स्टॉप कर दिया, कुछ ऐसा सीन है अभी तो। यही है देख लो काजीपेट जंक्शन, 2 मिनट का हॉल्ट है अपना। और एक दिक्कत क्या हो जाता है ना, अपना जो लाइक कोच है एकदम फ्रंट के तरफ है, आसपास में कुछ रहता ही नहीं है दिखाने के लिए। तो अभी कुछ नहीं, अभी तो लवली सो ही रही है, मेरे को भी नींद ही आ रहा है। काजीपेट जंक्शन में इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 8:48 AM को, अभी लगभग शाम का 4 बजने वाला है, 3:57 हो रहा है, सोच लो अभी पहुंचा है अपना ट्रेन। मैं तो सोच के रखा था इस ट्रेन का मैं 2 एपिसोड बनाऊंगा, जिस तरीके से ये लेट कर रहा है ना, तीसरा एपिसोड भी इसका दूर नहीं है भाई। मतलब आप सोच सकते हो राजधानी 7 घंटे लेट है, 7 घंटे लेट। अब आगे कितना लेट होगा मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं अभी आ गया हूँ कोच के अंदर, मस्त अभी सोने वाला पूरा माहौल है, सत्या भाई भी सोए हुए हैं, सब सो गया है अभी। इसका बस यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट था और 10 मिनट बाद निकल रहा है काजीपेट जंक्शन से, ट्रेन अपना लेट होते ही चला जा रहा है। चलो मैं भी थोड़ा सोता हूँ, बाद में मिलता हूँ मैं। तो अभी टाइम देख लो 5:37 हो रहा है, अभी हमारा वैसे स्नैक्स सर्व हो चुका है। देखो एक चीज तो है, ट्रेन 8 घंटे से ऊपर लेट है, थोड़ा तो दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन ना अभी क्या है देखो एज ए यूट्यूबर क्या होता है ना, जितने भी अंदर स्टाफ है ना उनसे फ्रेंडशिप हो जाता है हमारा, मतलब बातचीत करते करते भैया इवनिंग में क्या खिला रहे हो, डे में क्या खिला रहे हो, मॉर्निंग में, ऐसे बात करते करते ना फ्रेंडशिप हो जाता है। और उनका परेशानी देख रहा है ना, मतलब वो लोग खुद परेशान है, वो टेंशन में कि कल जाएंगे, तो सोचो उनको कल का जो रेस्ट वाला डे होता है
तो वो कल सारा दिन अगर लग जाएगा जर्नी में तो उनको कल ही फिर निकलना पड़ेगा, वो रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सोचकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, खराब भी लग रहा है। यही चीज होता है ना, देखो अब जो नॉर्मल पैसेंजर है वो तो पैनिक हो रहे होंगे, ये वो, कोई कोई लोग गुस्सा इन पे भी उतार देंगे, लेकिन अभी देखो हम लोग इतने करीब से समझ रहे हैं तो खुद खराब लग रहा है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हमारा स्नैक्स सर्व हुआ है ना, जो समोसे हैं वो बलहरसा से बोर्ड होना था, लेकिन ट्रेन तो हो गया लेट, कुछ हो नहीं सकता। पैंट्री में समोसे बनाए गए हैं भाई, सोच लो ऐसा भी होता है। अंदर में क्या क्या होता है वो सब तो हम लोग देखने नहीं जाते, लेकिन सोचो इतना भी प्रॉब्लम होता है। बाहर हो रहा है देख लो कमाल का सनसेट, मेरे फोन में दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो संदीप भाई ले रहे हैं शॉट बढ़िया वाला। इसके अलावा देख लो ये सारा हमें स्नैक्स सर्व किया गया है, ये गर्मा गर्म समोसा जो पेंट्री में ही बना है, साथ में ये कैशियो पीनट टी किट, ये सब सैंडविच है, केचप और ये चाय के लिए कप है। तो ये सब कुछ सर्व हुआ है हमारे स्नैक्स के लिए, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर कुछ इवनिंग में आप खिला पाओ, अगर आपके पास हो तो जरूर खिलाना, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था जी सर हो जाएगा। लंच के टाइम में हम लोगों ने मंगाया था चिली पनीर, और इवनिंग स्नैक्स के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिली चिकन, ये भी आपको दिखाते हैं। तो यही सब कुछ है फिलहाल देख लो लेखा जोखा। अब एक काम करते हैं, समोसे कौन खाएगा, कौन रिव्यू देगा समोसा का? संदीप भाई को मैंने समोसा खाते हुए देखा है। लो जी ये अपना चिली चिकन, साथ ही समोसा भी निकल चुका है, यही सब है देख लो। बाकी ये कैश्यू और पीनट कौन ही ट्राई करेगा, लवली ट्राई करेगी सैंडविच, ठीक है। संदीप भाई ट्राई करेंगे समोसे, और सत्या भाई को क्या दे सैंडविच, चलो आप दोनों सैंडविच ट्राई कर लेना, और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा इनका चिली चिकन कैसा है। इवनिंग का टाइम है अभी, हम लोग का हो गया इवनिंग स्नैक्स टाइम, ये रहा अपना चिली चिकन, और ये अपने पेंट्री में ही बना है देख लो कुछ ऐसा है, ट्राई करते हैं। चिल्ली पनीर बढ़िया था, उसी से आइडिया लग गया इनका, चिली चिकन भी अच्छा होगा क्योंकि बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ग्रेवी है सेमी है, ऐसा नहीं कि चिकन पूरा मतलब वो क्या बोल होता है ना वो उसको काफी चबाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, काफी सॉफ्ट है। यहाँ पे देख लो संदीप भाई ट्राई करने वाला है समोसे जो कि यहाँ के पेंट्री में ही बने हैं, स्टेशन वाले समोसे से अच्छे हैं। चलो ठीक है भाई, और बाकी यहाँ पे देख लो कैश्यू समोसे सैंडविच है, समोसे का तो मैंने बता दिया आपको, स्टेशन वाले समोसे से बेटर है। सत्या भाई अभी चाय पीकर बता रहे कैसा है, जबरदस्त है यार। सुबह वाले मैंने कह दिया था जब आए थे भैया पूछने कैसा खाना, दोनों दूध कम है उसमें, बढ़िया है ना देख के ही लग रहा है ये देखो जब मैं इसको टेढ़ा करूंगा ना, ये देखो ये लगा रह रहा है ना, इसे समझ जाओ चाय बढ़िया है। सैंडविच बता दो भाई कैसा है, ब्रेड फ्रेश नहीं है, मैं यहीं से देख के बता दिया। बस इसी में चीज सैंडविच मिलता है, पर उन्होंने कहा था गाड़ी इतना लेट है कि हमें कहीं चलाने का मौका नहीं मिला, तो ये मेयोनीज सैंडविच दिया। एवरेज है बाकी, हाँ उन्होंने फिर भी ये सब कुछ दिया, अभी तो उनके लिए और परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि अभी रात में डिनर होगा। चलो ये तो सब ट्रेन में ऐड रहता है, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर उससे भी ज्यादा लेट हुआ तो वो भी प्रॉब्लम एक है। बाकी होपफुली ना हो, ट्रेन अपना अभी भी 8 घंटे लेट है। कैसा है चिली चिकन ट्राई कर रही है, मतलब इसको अच्छा लग रहा है, स्पाइसी नहीं है ना? स्पाइसी नहीं है, चलो बढ़िया है, इसके लिए यही बेस्ट है कि स्पाइसी नहीं है। बाकी देख लो इतना कुछ है। हम लोग अपना स्नैक्स कंप्लीट कर रहे थे, सोचा लगे तो ये भी आपको दिखा दें, राजधानी। हाँ जी भाई, ट्रेन हो गया है 8 घंटे डिले। आप लोग बताओ आपने अगर कभी कोई ट्रेन में जर्नी किया है वो ट्रेन लास्ट कितने घंटे लेट रहा है? लो जी अपना स्नैक्स हो गया कंप्लीट, और अभी अपने ट्रेन का स्पीड देख लो, ट्रेन अपना मस्त चल रहा है अभी भाई, ये स्पीड में देख करना थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ट्रेन भाई इतना लेट हो गया है ना अपना। देख लो जी आपको लग रहा होगा मोहित भाई आप ट्रेन में कितना खा रहे हो भाई, यही रूटीन ही हो गया अपना। अभी 7:32 हो रहा है, भैया आ गया है सूप लेकर, मस्त एकदम अच्छे से देख लो वेज सूप है ये, और ट्रेन में बैठे ही रहना है भाई। देख लो बाहर क्या दिखाऊं, डार्क हो रखा है बाहर पूरा, कुछ दिखाने को भी नहीं है।
बैठ के ही हूँ अंदर, बातचीत हो रहा है अपना। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बलहरसा और अपना ट्रेन यहाँ पे पहुंचा है भाई साहब 8.5 घंटे डिले। अपने इस राजधानी एक्सप्रेस का बलहरसा जंक्शन में 5 मिनट का हॉल्ट है, तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं। यहाँ ट्रेन में बैठे बैठे ना मतलब अजीब सा हो गया है मन, वॉक करते हैं। लवली को भी बाहर बुला लेते हैं, वो भी बेचारी बैठी हुई है अंदर तब से। वैसे मैं बता दूँ हम लोग ऑफिशियली महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नागपुर के। और सिग्नल तो वैसे हो चुका है, देख लो ग्रीन लाइट आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। फाइनली अपना ट्रेन अब निकल चुका है बलहरसा स्टेशन से। भाई कर्नाटका से जर्नी स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश, अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं। देख लो क्या तामझाम हो रखा है अभी, यही होता है देख लो इतने सारे जब ब्लॉगर एक साथ निकलते हैं तो। भाई सबका एडिटिंग का काम पेंडिंग है, मेरा तो खैर अभी हो गया है इसलिए मैंने अभी अपना अंदर रखा हुआ है। वैसे टाइम देख लो अभी 9:09 हो रहा है और बलहरसा से निकलते ही ये सर्व हो चुका है अपना डिनर। और आप सोच रहे हो कि भाई आप लोग 4 लोग होके डिनर बस 2 प्लेट क्यों, मैं बता दूं भाई किसी का खाने का मन नहीं है, तो 1 प्लेट में संदीप भाई और सत्या भाई खाएंगे और ये 1 प्लेट में मैं और लवली खाएंगे। तो चलो अब एक काम करते हैं, दिखाते हैं कि डिनर में क्या मिला है हमें। और वैसे तो बाहर हो गया है काफी डार्क, कुछ दिखाने को भी नहीं है, तो इसीलिए अभी चलो बढ़िया आपको डिनर दिखा देते हैं। आज का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया था कर्नाटका में, लंच अपना हुआ था तेलंगाना में और डिनर होगा अपना महाराष्ट्र में। और कल का ब्रेकफास्ट कहाँ होगा नहीं आइडिया है, वो कल का कल आप लोग देखना। फिलहाल अभी दिखाते हैं आपको कि आज हमारे डिनर में क्या है। तो देख लो जी अभी मैंने सभी खाने का रैप हटा दिया है और ये हमें मिला है दाल। ये पनीर वही पनीर है जो आपको नॉर्मली ट्रेनों में मिलता है, मैक्सिमम ट्रेनों में कढ़ाई पनीर जैसा कुछ लग रहा है, नहीं मटर पनीर है, मटर पनीर देख लो। और ऊपर से धनिया पत्ता भी दिया हुआ है। इसके अलावा ये आलू की सूखी सब्जी, राइस और ये रोटी, यही सब कुछ है देख लो आज अपने डिनर में। तो मैं ट्राई करता हूँ रोटी और ये पनीर। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि राजधानी इतना लेट हुआ है। खाना तो नो डाउट बहुत अच्छा है लेकिन सीन क्या है ना, बैठे 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 ये जो बैक टू बैक खाना वाना आ रहा है ना, अब लिटरली थक चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि चलो आज बिना डिनर के ही सो जाए, लेकिन चलो एक मंगा लिया इसलिए हम लोगों ने एक मंगाया। आप शेयर करके खा लेंगे। मैं तो दाल तो ट्राई भी नहीं किया था, सत्या भाई ने तारीफ किया, मैंने ट्राई किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं अभी दाल पी रहा हूँ ताकि सुबह तक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। भाई जी कैसा लगा? बढ़िया, किसी को खाने का मन नहीं था लेकिन मन नहीं था, अब खाते खाते ना मतलब अच्छा लगने लगा। वही चीज हो रहा है भाई, मतलब कंटिन्यू हमारे साथ वही चीज हो रहा है। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे सब कंप्लीट हो रहा है। 10/10 है मेरी तरफ से, 10/10 है ठंडा होने के बाद भी। सही बात है, मजा आ रहा है। और एक चीज हम लोगों ने अच्छा किया ना, एक ही मतलब 2 ही प्लेट ऑर्डर किया और हाफ ऑफ करके सब खा लिया। और साथ ही देख लो हमें आइसक्रीम भी मिल चुका है, एक वेनिला और एक बटर स्कॉच। ये वीडियो को भी मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी काफी लंबा होते जा रहा है। ऑलराइट तो अभी का अपडेट ये है ना कि ट्रेन अपना चल रहा है देख लो 8 घंटे 41 मिनट डिले। मैं सोचा था नागपुर आपको दिखाऊंगा लेकिन मैं गहरी नींद में सो गया था इसलिए नहीं दिखा पाया। अब देखो अब जाते हैं सोने के लिए, एक ही बार ये वीडियो को मॉर्निंग से ही कंटिन्यू करते हैं।
सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा मॉर्निंग का शुरुआत हो रहा है भोपाल और झांसी के बीच में, कोई एक कारोंडा स्टेशन है उसी के आसपास। और अभी मैं सोकर उठा जस्ट, सबसे पहले गया फ्रेश हुआ मैं, और मैं सोचा चलो अभी देखते हैं ट्रेन कितना अपना लेट है, कितना मेकअप किया है, क्योंकि जब मैं सोने गया था तब तो ट्रेन अपना 8 घंटे 45 मिनट लेट था, ऑलमोस्ट 9 घंटे समझ लो। अभी मैं चेक किया तो ट्रेन अभी अपना 8 घंटे लेट चल रहा है, इसका मतलब रात में अपनी राजधानी ने 45 मिनट मेकअप किया है। फिर भी यार चलो सही है, क्या बोल सकते हैं, 8 घंटे लेट होने के बाद ट्रेन तो पूरा खत्म ही हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ से मैं बता दूँ 175 किलोमीटर है झांसी, और अभी तक देखा जाए तो हम लोगों ने 1800 किलोमीटर कवर कर लिया है इस ट्रेन में बैठे बैठे। फिलहाल ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। और इसका तीसरा पार्ट का भी वेट करना, मैं सोच के रखा था बस इसका दो ही पार्ट बनाऊंगा, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तीसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। अब ट्रेन ही इतना लेट हो गया, सोचो इस समय तक हम लोग पहुंच जाते हजरत निजामुद्दीन, इससे पहले 5 बजे इसका हजरत निजामुद्दीन पहुंचने का टाइम था। अभी बज रहा है सुबह का 6:48 और अभी झांसी भी नहीं आया है, आप आइडिया लगा लो ट्रेन अपना कितना लेट है। खैर कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।